मसूरी, जिसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है, इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हिल स्टेशन ऑफ उत्तराखंड। मसूरी का नाम यहाँ उगने वाली एक झाड़ी मंसूर के नाम पर पड़ा है, इसलिए अक्सर लोग मसूरी को मंसूरी भी कहकर पुकारते हैं। मसूरी उत्तराखंड की राजधानी यानी कि देहरादून से मात्र 33 किलोमीटर की दूरी पर है और देश की राजधानी दिल्ली से मसूरी की दूरी लगभग 300 किलोमीटर है। तो दोस्तों, अगर आप भी मसूरी ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपके ट्रेवल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे मसूरी के बेस्ट प्लेसेस कौन से हैं, मसूरी कैसे पहुंचे, बजट में होटल कहां मिल जाएगा, स्कूटी या टैक्सी का रेंट कितना होगा, किस प्लेस को मॉर्निंग में विजिट करें और कहां से आप बेस्ट सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष, मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर और दिल से ट्रेवलर हूँ। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको मसूरी को लेकर सारी जानकारी मिलने वाली है और साथ ही वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने ट्रिप को बजट फ्रेंडली बना सकते हैं और कैसे आप अपना यूजफुल टाइम वेस्ट होने से बचा सकते हैं। इसलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मसूरी पहुंचने के लिए आप बाय रोड, बाय ट्रेन या फिर बाय एयर आसानी से आ सकते हैं। बाय रोड आप अपने व्हीकल से मसूरी आ सकते हैं या फिर बस से आप पहले देहरादून आ सकते हैं और फिर वहां से हर आधा घंटे पर मसूरी के लिए बस चलती हैं, जिसका किराया मात्र 60 रुपए है। इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली से आप सीधे वॉल्वो बस पकड़कर भी मसूरी आ सकते हैं, जिसका किराया 800 से 1200 के बीच में पड़ जाएगा। अगर ट्रेन की बात करें तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन देहरादून है और वहां से आपको मसूरी की बस या टैक्सी मिल जाएगी। सिमिलरली बाय एयर की बात करें, नियरेस्ट एयरपोर्ट है देहरादून का जॉली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि मसूरी से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से आप मसूरी के लिए टैक्सी कर सकते हैं, जिसका रेंट लगभग 2000 से 2500 के बीच में रहता है। अब बात करते हैं स्टे की, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप अपना होटल माल रोड के आसपास ही लें, ताकि आप इवनिंग में माल रोड पर एंजॉय कर सकें। माल रोड के आसपास आपको होटल रूम्स लगभग 1000 से 2000 के बीच में मिल जाते हैं। बात करें कि अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आए हैं तो आप अपने व्हीकल को पार्किंग में लगा सकते हैं, क्योंकि मसूरी का लाइब्रेरी चौक, माल रोड या फिर अन्य सभी रास्ते काफी ज्यादा कंजेस्टेड रहते हैं और काफी ट्रैफिक चलता है, तो बेहतर होगा आप अपनी कार पार्किंग में लगा दें। कार पार्किंग के चार्जेस हैं 400 से 600 रुपए 24 घंटे के लिए, और अगर आप मल्टी लेवल कार पार्किंग में लगाएंगे तो कुछ सस्ता पड़ जाएगा। मसूरी ट्रेवल करने के लिए मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आप फैमिली के साथ नहीं है, कपल्स हैं, तो आप एक स्कूटी रेंट कर लें, वरना आप मसूरी के ट्रैफिक में फंस कर रह जाएंगे और मसूरी एक्सप्लोर करने के लिए समय कम पड़ जाएगा। रेंट पर स्कूटी लेने के लिए आपको जगह जगह बोर्ड दिख जाएंगे। बेस्ट होगा कि आप लाइब्रेरी चौक से स्कूटी रेंट कर लें, ताकि हैंडओवर में कहीं आपको दूर न जाना पड़े। पीक सीजन्स में स्कूटी का रेंट लगभग 800 रुपए से 1200 रुपए तक रहता है, अन्यथा स्कूटियां आपको 600 से 700 के बीच में एक्टिवा मिल जाती है। स्कूटी रेंट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इतना सब करने के बाद आप मसूरी में सेटल हो चुके हैं और अब आप तैयार हैं क्वीन ऑफ हिल्स यानी कि मसूरी को एक्सप्लोर करने के लिए। अब बात करते हैं मैंने अपना ट्रिप कैसे प्लान किया था या मैं मसूरी कब पहुंचा, किस तरह मैंने सारे प्लेसेस को कवर किया। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने मसूरी का वीकेंड प्लान बनाया और फ्राइडे दोपहर बाद हम निकल गए गाजियाबाद से मसूरी की तरफ। हम मसूरी बाय रोड अपने व्हीकल से गए। हम गाजियाबाद से मसूरी लगभग 6 घंटे में पहुंच गए, क्योंकि पीक सीजन था तो हमने अपना होटल एडवांस में ही ऑनलाइन बुक कर लिया था। होटल अतिथि, जो कि माल रोड पर है, जिसकी कॉस्ट 2500 रुपए पर डे थी। मसूरी पहुंचकर हमको ठंड का एहसास होने लगा था। रूम्स में सेटल होने के बाद जब हम माल रोड की तरफ निकले तो हमने देखा कि मसूरी से पूरा देहरादून शहर दिखाई दे रहा था। रात में देहरादून शहर की लाइटिंग वाकई में खूबसूरत लग रही थी और दिन भर की ट्रेवल की थकान मानो मिट सी गई हो। नेक्स्ट डे हमको अपना पहला और मोस्ट फेवरेट स्पॉट जॉर्ज एवरेस्ट के लिए निकलना था, तो हम डिनर करके जल्दी सो गए। नेक्स्ट डे रेडी होकर सबसे पहले हमने स्कूटी रेंट पर ली। पीक सीजन की वजह से रेंट थोड़ा हायर साइड पर था। हमने दो एक्सेस 125 स्कूटी रेंट की, दोनों लगभग 1000 रुपये प्रतिदिन के रेंट पर हमें मिली और फिर हम निकल गए जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ। माल रोड से जॉर्ज एवरेस्ट की दूरी लगभग 5.5 किलोमीटर है। वहां जाकर
हमने हल्का सा ब्रेकफास्ट किया। जब एंट्री पर पहुंचे तो पता लगा कि जॉर्ज एवरेस्ट पर अब एंट्री फी लगने लगी है। तो भाई हम जॉर्ज एवरेस्ट आए थे और यहाँ पे हमें पता लगा कि 200 रुपए पर हेड एंट्री फीस है, जबकि वहाँ कुछ नहीं है, वो पहाड़ पर ट्रैक करके जाना है। तो पिछली बार ऐसा कुछ नहीं था, ये इस बार ही हुआ है। जॉर्ज एवरेस्ट का मेंटेनेंस अब गवर्नमेंट से हटकर एक प्राइवेट कंपनी पर आ गया है और ये बस 2 दिन पहले ही हुआ था। एंट्री फीस थी 200 रुपए पर पर्सन। कमेंट करके बताइए ये एंट्री फीस कुछ ज्यादा नहीं है। जॉर्ज एवरेस्ट के पीक पर पहुंचने के लिए आपको ट्रैक करना होता है। कुछ दूर तक आपको कंक्रीट और पत्थर से बनी रोड मिलती है, जिस पर स्लोली स्लोली चलकर आप बेस कैंप तक पहुंच जाते हैं। यहाँ एक बड़ा सा ग्राउंड है, यहाँ आप रेस्ट कर सकते हैं, आसपास के नज़ारे एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ एक छोटा सा म्यूजियम भी बनाया हुआ है। और अभी मैं हूँ जॉर्ज एवरेस्ट पर। पीछे देख सकते हैं जॉर्ज एवरेस्ट का ट्रैक यहाँ से स्टार्ट होता है। दोस्तों ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं ये जॉर्ज एवरेस्ट का बेस कैंप कह सकते हैं और ट्रैक हमारा वहाँ से स्टार्ट होता है जो करीब हमें ले जाएगा इन पहाड़ियों पर। और हाँ ध्यान रखें, यहाँ से आप पानी की बोतल ले सकते हैं क्योंकि इसके आगे कोई भी शॉप नहीं है। और इसके बाद शुरू होता है असली ट्रैक, जहाँ कोई स्टेबल रोड नहीं है, बस कुछ पत्थर, कुछ सीढ़ियाँ और इस तरह से हमें पहुँचना होता है जॉर्ज एवरेस्ट के पीक पर। अभी तो वहाँ जाना है, लेकिन ट्रैक का रास्ता इतना शानदार है कि मजा आ जाता है। चारों तरफ पहाड़ियाँ और जॉर्ज एवरेस्ट की पीक तक का लक्ष्य। गाइस काफी ऊपर आ चुके हैं और हमें दिख रहा है वापस वहाँ जाना है। And guys, finally we are at George Everest. This is the peak of George Everest. पीक पर जाकर आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, मानो सारी थकान मिट ही गई हो। पीक से एक तरफ आपको देखने को मिलती है दून वैली और दूसरी तरफ हिमालयन रेंज। और देख सकते हो पीछे पूरे फ्लैग्स लगे हुए हैं। काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। ट्रैक थोड़ा स्टीव है, बट वर्थ इट। मतलब मैं दूसरी बार यहाँ आया हूँ, मेघने का फर्स्ट टाइम था। कैसा लगा? अच्छा लगा। पहले हम सोचा था टॉप पे ना आए, लेकिन मतलब थोड़ा नीचे ही बैठे हुए थे, लेकिन फिर सोचा टॉप पे चलते हैं। पूरा जो व्यू ऊपर से आता है ना, हम अराउंड 2 बजे तक ऊपर आ चुके थे। स्टार्ट किया होगा हमने ऐसे करीब 12:30। मोस्टली नीचे वाले स्टीप चढ़ाई थी, उसके फिर हम धीरे धीरे आए क्योंकि रास्ते थोड़े से वैसे कंकड़ी वगैरह है, लेकिन ओवरऑल बढ़िया है। यहाँ का अगर व्यू देखोगे ना, मतलब यहाँ से बैठ के पूरा एकदम ऐसा लग रहा है मसूरी इज द क्वीन ऑफ हिल्स। वहाँ हमने अपना कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और कुछ मोमेंट्स को कैप्चर किया। फिर हम निकल लिए वापस बेस कैंप और मसूरी की तरफ। रास्ते में कंपनी गार्डन में एंजॉय किया और फिर हमारा गोल था दला हिल्स जाने का। भला मसूरी का बेस्ट सनसेट देखने में देरी कैसी। जॉर्ज एवरेस्ट से दलाई हिल्स की दूरी लगभग 7 किलोमीटर की है। वहां पहुंचकर तिब्बतन टेंपल से लगभग 400 मीटर का छोटा सा एक ट्रैक है। इसको क्रॉस करने के बाद आप पहुंचते हैं दलाई हिल्स पर, जहां पर लगे तिब्बती फ्लैग्स आपका मन मोह लेंगे। और साथ ही यहां भगवान बुद्ध का 20 फुट ऊंचा स्टैचू है। यहां शाम में आपको एक अच्छी संख्या में टूरिस्ट देखने को मिल जाते हैं क्योंकि हर कोई यहां के सनसेट का दीवाना है। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create. हमने भी सनसेट एंजॉय किया, कुछ मोमेंट्स को कैप्चर किया और वापस चल दिए माल रूट की तरफ। हाँ बढ़िया स्पाइसी। बढ़िया
मीडियम साइज। माल रोड पहुंचने के बाद हमने स्कूटीज को पार्क किया और माल रोड पर लोकल फूड एंजॉय किया। माल रोड पर घूमने में भी अपना एक अलग ही मजा है। डे टू का हमारा प्लान था कि अर्ली मॉर्निंग केम्प्टी फॉल्स पहुंचेंगे ताकि कम क्राउड में वाटरफॉल को एंजॉय कर सकें। साथ ही आज मेरा जन्मदिन था तो बर्थडे सेलिब्रेशन के एंजॉयमेंट में थोड़ा डिले हो गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। नेक्स्ट डे लगभग 9:30 बजे तक केम्प्टी फॉल के लिए निकल चुके थे। माल रोड से केम्प्टी फॉल की दूरी लगभग 15 किलोमीटर की है और रास्ता भी काफी खूबसूरत है। केम्प्टी फॉल पहुंचकर हमने स्कूटी पार्क की और फॉल की तरफ चल दिए। आपको बता दूं कि फॉल का यह व्यू आप नीचे जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए आप स्टेयर्स या फिर ट्रॉली से नीचे तक जा सकते हैं। इस बार हम गए ऊपर की तरफ जहां अक्सर कम क्राउड देखने को मिलता है और पानी काफी साफ रहता है। और जी हाँ, क्राउड काफी कम था तो बस फिर क्या, ठंडे ठंडे पानी में नहाने उतर गए। फॉल के ठंडे पानी में नहाकर बॉडी अपने आप में एनर्जेटिक हो जाती है। आपको यहाँ नहाने के लिए कपड़े अलग से रेंट पर मिल जाते हैं। चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम्स अवेलेबल हैं। अगर आपका कोई कीमती सामान है तो उनको रखने के लिए लॉकर्स की सुविधा भी मौजूद है। लगभग 30 से 40 मिनट नहाकर हम रिफ्रेश हुए। इसके बाद हमने पहाड़ों का फेमस फूड यानी मैगी को एंजॉय किया और फिर हम वापस निकल लिए माल रोड की तरफ। और हाँ, जब भी हम मॉल रोड से केम्प्टी फॉल या जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ आते हैं तो रास्ते में पड़ता है लिबासना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यूपीएससी क्लियर करने वाले सभी कैंडिडेट्स ट्रेनिंग के लिए यहाँ आते हैं। सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स का ड्रीम प्लेस है लिबासना। यह प्लेस देखकर वाकई में अच्छा लगता है कि देश के सबसे होनहार कैंडिडेट्स यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं और इस संस्था का नाम शास्त्री जी के नाम पर है। आज की हमारी सनसेट की लोकेशन थी लैंडोर का मोस्ट फेमस स्पॉट लाल टिब्बा। तो वापस आकर हमने होटल में थोड़ा रेस्ट किया और फिर शाम 5 बजे निकल लिए लाल टिब्बा की तरफ। लाल टिब्बा व्यू पॉइंट काफी ज्यादा हाइट पर है। ये तो अच्छा था कि हम स्कूटी पर थे। लॉन्ग वीकेंड के चलते लोग बस अपनी अपनी गाड़ियों में फंसे हुए थे। काफी दूर तक ट्रैफिक जाम हो रखा था। रास्ता इतना स्टीप है तो ड्राइव करना आसान नहीं है और जगह भी काफी कम है, तो ना तो आगे जा सकते हैं ना ही अपनी गाड़ी को वापस मोड़ सकते हैं। इस बीच बहुत सी गाड़ियां आपस में टच भी हो रही थीं और इस तरह से हम साइड साइड निकलकर पहुंच गए लाल टिब्बा व्यू पॉइंट पर। लाल टिब्बा के रास्ते में एक जगह पड़ती है चार दुकान। यहाँ लिटरली अंग्रेजों के जमाने की ये दुकानें बनी हुई हैं। आप यहाँ पर स्नैक्स, केक्स या हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते हैं। ये दूसरी बार था जब मैं इस लोकेशन पर आया और काफी सुकून मिलता है ऐसी जगह आकर। यहाँ दो कैफे हैं और एक कैफे तो स्पेसिफिकली व्यू को एंजॉय करने के पर्पस से बनाया गया है। क्लाउड्स थोड़े ज्यादा थे तो सनसेट तो देखने को नहीं मिला, लेकिन हमने देखा कुछ ऐसा नजारा जिससे नजर हटाने का दिल ही ना करे। इतने बेहतरीन क्लाउड्स हो रहे हैं ना, क्या बताऊं। सो गाइस, दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाल टिब्बा व्यू। देख सकते हैं शाम का टाइम हो रहा है और सब लोग, आप देख सकते हैं कितना यहाँ क्राउड आ चुका है। बहुत ही ज्यादा हाइट पर हम, लेकिन एक अच्छा क्राउड यहाँ पर व्यू को एंजॉय करते हुए। और कुछ इस तरह हम वापस निकल लिए मॉल रोड की तरफ। दोनों
साइड से बिल्कुल ट्रैक। माल रोड के करीब पहुंचने पर हमने देखा कि किलोमीटर्स लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। लोग खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। खैर हम स्कूटी पर थे तो कंपैरेटिवली कम समय लगा और हम वापस पहुंच गए माल रोड। स्कूटीज हैंडओवर की और अपने होटल जाकर रिफ्रेश हुए और फिर निकल गए माल रोड के कैफे में बर्थडे को एंजॉय करने। नेक्स्ट डे बापू का जन्मदिन यानी गांधी जयंती थी तो इस उपलक्ष में लाइब्रेरी चौक को अच्छे से डेकोरेट किया गया था। अच्छा लग रहा था गांधी चौक या लाइब्रेरी चौक पर देशभक्ति के गीत सुनते हुए। सन किस हो गया गाइस, आप लोग कहाँ आए हुए हैं? मंसूरी मंसूरी तो गाइस ये लोग मसूरी घूमने आए हैं, वो तो वापस आ रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। अच्छा जा रहे हो? यस। इन लोगों का ट्रिप हो गया पूरा, ये हो गए हमारे बैग्स बैग्स में। क्या होता है तुम्हारा? हाँ मतलब हम तो इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू। और फिर हम अपनी गाड़ी पार्किंग से निकालकर वापस चल दिए गाजियाबाद की तरफ। गाड़ी को पार्किंग से निकालना और मसूरी से बाहर निकलना काफी ज्यादा हेक्टिक था क्योंकि ट्रैफिक काफी ज्यादा था। तो दोस्तों कुछ ऐसी थी मसूरी की ट्रैवल स्टोरी और अब हम बात करते हैं प्रो टिप्स की और मसूरी को बजट फ्रेंडली तरीके से कैसे ट्रैवल कर सकते हैं उसके बारे में। तो उसके लिए सबसे पहली मेरी एडवाइस है कि आप होटल को माल रोड पर ना लेकर माल रोड के आसपास जो एरिया है वहां पर होटल है। और उसका रीजन ये है कि माल रोड पर आपका जो प्राइवेट व्हीकल है उसकी एंट्री का आपको 150 रुपए देना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप कोई स्कूटी रेंट करते हैं तो माल रोड पर रेंट की हुई स्कूटी की एंट्री बैन है। एग्जैक्ट माल रोड पर होटल लेने से एक तो थोड़ा महंगा भी पड़ेगा और ऊपर से आपके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स भी है। और नेक्स्ट एडवाइस मेरी ये है कि अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो बेटर होगा उसको पार्किंग में पार्क कर दें और स्कूटी से पूरा मसूरी को एक्सप्लोर करें। थर्ड थिंग इज अगर आप एक स्कूटी रेंट कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट एडवाइस है कि आप उसकी एक पहले वीडियो बना लें ताकि आपको पता हो कि स्कूटी लेते टाइम उसकी कंडीशन कैसी थी। क्योंकि मोस्टली क्या होता है जिस टाइम आप हैंडओवर करने जाते हो उस टाइम जो ओनर होता है या रेंट पे जिसने स्कूटी दी है वो कह देता है ये आपने नया डेंट डाला है तो इसका इतना रुपया आपको एक्स्ट्रा देना होगा। नेक्स्ट थिंग इज अगर आप सिंगल हो या बैचलर हो तो मसूरी में कुछ अच्छे हॉस्टल चेन्स भी हैं जैसे गो स्टॉप्स द हॉस्टलर, तो वहाँ पर आप बजट फ्रेंडली ऑप्शंस भी देख सकते हैं। और मसूरी ट्रैवल करने के लिए मेरी एक एडवाइस ये भी है कि अगर आप वीकेंड पर मसूरी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो बेटर होगा कोई लॉन्ग वीकेंड पिक ना करें क्योंकि लॉन्ग वीकेंड पे क्राउड बहुत ज्यादा होता है। तो आप स्कूटी से हो या कैसे भी हो आप ट्रैफिक में फंसेंगे ही फंसेंगे। तो बेटर होगा एक आप नॉर्मल वीकेंड पर जाएं या फिर वीकडेज में जाएं ताकि मसूरी को अच्छे से एक्सप्लोर कर सके। एक्सप्लोरेशन की बात हो रही है तो मैं बताना चाहूंगा किसी भी प्लेस पे पहुंचने से पहले आप ये ट्राई करें कि आप बाकी सब लोगों से पहले पहुंच जाएं। जैसे कि कैंपटी फॉल है वहाँ आप थोड़ा जल्दी पहुंच जाएं, जॉर्ज एवरेस्ट है वहाँ आप थोड़ा जल्दी पहुंच जाएं, तो आप उस जगह की ब्यूटी को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मसूरी का यह ट्रिप आपने मेरे साथ एंजॉय किया होगा। इसके साथ साथ आपको जो मेरे सजेशन हैं रिकमेंडेशन हैं वो काफी हेल्पफुल रहेंगी। वीडियो अच्छा लगा हो रिकमेंडेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ये जो रेड बटन सब्सक्रिप्शन का दिख रहा है ना इसको लाल टिब्बा जाने से पहले दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू वेरी मच।